हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष निगम। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचर्स ऑफ स्टॉक्स। चलिए गाइस, शुरुआत करेंगे आज के वीडियो को। जो भी कल हम लोगों ने लेवल डिस्कस किए थे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के, उसके एनालिसिस के साथ में शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी के साथ में। सो गाइज, मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में जब एक्सपायरी वाला दिन था उस दिन 40,500 की सी सुबह 10 बजे होल्डिंग के लिए दी थी, जिस टाइम मार्केट ऐसा गिर रहा था। लेकिन मार्केट में हर जो डीप है इसमें वॉल्यूम जो है वो फिलअप हो रहा था, तो मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ से ट्रेंड करने वाला था। 40,500 की सी इन द मनी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मैंने वो दी थी, जिसमें अगर हम लोग देखेंगे बहुत शानदार प्रॉफिट हम लोग को ऑलमोस्ट 500 का हाई लगाया था इसने 278 रुपीज़ से, जो कि मनी डबल मूव हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था ओवरनाइट, जो कि बहुत शानदार प्रॉफिट था। और यहाँ से हम लोग को मार्केट में एक डाउनफॉल भी मिला था कुछ इस लेवल पे। मैंने पी दी थी अपने प्रीमियम ग्रुप में, जिसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया था। ऊपर जाने के बाद में फिर से मैंने पी दी थी, जिन लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाए थे उनको यहाँ पे इस लेवल पे एवरेज करने को लगाया था। एवरेजिंग के बाद में शार्प फॉल हम लोगों को देखने को मिला था, जो हम लोगों का मैजिकल लेवल था 40,380 का। अगर ये निकल जाता था तो 40,100 का लेवल हम लोग को फ्यूचर पे आराम से देखने को मिलता था। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं, बाई अबो का लेवल मतलब ये मैजिकल लेवल है, इजिली ब्रेक नहीं होता। यहाँ पे हम लोग को ब्रेकआउट नहीं मिला और यहाँ से एक छोटा सा रिवर्सल हम लोग को देखने को मिला था। लेकिन हाँ, यहाँ पे पी में बहुत शानदार प्रॉफिट मैं कहूँगा हम लोग को बनते हुए दिख रहा है। लेवल टू लेवल ट्रेडिंग इसी को कहा जाता है गाइज। अगर देख लो कि आप लोग यहाँ पे इस लेवल पे आप लोग को रिजेक्शन मिला था, रिजेक्शन के बाद में यहाँ पे एक इवनिंग स्टार पैटर्न के बेसिस पे प्राइस एक्शन पे इसे ट्रेड किया जा सकता था, जो कि बहुत बेहतरीन मूव हम लोग को देकर के चला गया। सिमिलर टाइप का पैटर्न मैं कहूँगा निफ्टी के साथ में भी हम लोग को देखने को मिला है। एक पहले डोजी बनाई थी नीचे जाकर के, यहाँ पे सेम लेवल पे रेजिस्टेंस लिया था 17,944 का हमारा मैजिकल लेवल। शार्प फॉल देखने को मिला था निफ्टी में भी, पीक में निफ्टी के बहुत हम लोग को अच्छे सा प्रॉफिट देखने को मिला था। बात करेंगे अगर प्रीमियम सर्विसेज के बारे में, तो यहाँ पे मैंने पी की कॉल जो है वो दे करके रखी हुई थी। यहाँ पे उसका एसएल जो है वो हिट हो गया था। कैंडल क्लोजिंग पे जो लोग यूज़ करते हैं उनका तो यहाँ पे कोई नहीं हो गया था हिट, लेकिन जो लोग भी यहाँ पे नंबर्स पे ट्रेड करते हैं उन लोगों का यहाँ पे जो एसएल है वो हिट हो गया था। और जैसे कि मेरी प्रीमियम सर्विसेज में मैं एसएल भी देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपना एसएल कंसिडर कर लिया है। लेकिन वैसे अगर कैंडल क्लोजिंग का जो लॉजिक मैं बताता हूँ, जो कि प्राइस एक्शन का है, उसके बेसिस पे हम लोगों को यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो हिट नहीं हुआ था। अगर से प्रीमियम सर्विसेज के बारे में बात करेंगे गाइस, तो दो स्टॉप लॉस आज के दिन में मेरे हिट हो चुके हैं। उसमें से अमर अजा बैटरी में 950 रुपये का हम लोगों का एक लॉट के ऊपर लॉस हो गया था, और 40,300 का पी जो मैंने आप लोगों को बोला था कि ऐसा ऊपर गया, एसएल हिट हो गया, फिर री एंट्री दिया था, तो यहाँ पे 3,000 रुपये का मेरा लॉस हो गया था। लॉजिक मेरा बहुत सही था, मैंने यहाँ पे क्लियरली बोला भी था कि डे लो अगर 10 मिनट पे जाएगा तो 40,200 का हम लोगों को लेवल देखने को मिलेगा। 40,300 आते आते हम लोग को 11,700 रुपये का फिर से प्रॉफिट हो गया था 40,300 के पी पे, जो कि 3,000 रुपये अपना लॉस भी इसने कवर कर लिया था। ओवरऑल बहुत शानदार प्रॉफिट हो गया था 26,000 चार लॉट के साथ में। ये जो मैंने आप लोग को 40,500 का सी बताया यहाँ पे, इसमें प्रॉफिट हो गया था। ऐसे अपॉर्चुनिटीज बहुत कम टाइम मिलती हैं, तो जब भी मिलती हैं आप लोग का उसका भरपूर फायदा जो है वो उठा लेना चाहिए। अगर से बात करूंगा गाइज, मैं जो भी 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ में मैं शेयर करता हूँ उसके एनालिसिस के साथ में, तो गाइज 36,800 रुपीज़ का हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट है। एक दिन एडवांस में मैं आप लोग के साथ में सारे स्टॉक्स जो है वो डिस्कस करते रहता हूँ, उनके लेवल्स देते रहता हूँ, और उनके ऑप्शंस पे कहाँ पे कैसे ट्रेड किया जा सकता है वो सारा प्रेडिक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं। 36,800 का फ्री ऑफ कॉस्ट में एक दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। 287 डेज तक हम लोगों ने कभी भी अपना जो पोर्टफोलियो है वो माइनस में क्लोज नहीं किया है। इसके लॉजिक्स को भी हम लोग समझेंगे, लेकिन 287 डेज तक कोई भी स्टॉप लॉस हम लोग का यहाँ पे हिट नहीं है। बात करेंगे गाइज यहाँ पे पहली ब्रेकआउट स्टॉक के साथ में, जो कि है सीमेंस की। सीमेंस देख लीजिए, हम लोगों को बहुत शार्प फॉल इसने डाउनसाइड में दिया था। डाउनसाइड में आने के बाद में अगर आप लोग देखोगे तो हम लोगों को यहाँ पे मैजिकल लेवल के बेसिस पे यहाँ पे मिला था हम लोगों को एक इनसाइड कैंडल, जो कि बहुत बेहतरीन कैंडल होता है। यही पे इसको बाई किया जा सकता था,
अगर आप लोगों ने यहाँ पे बाई नहीं किया, आप लोग मैजिकल लेवल का वेट कर रहे थे, तो यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम ड्रॉप होते जा रहा था। अपने हर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ, प्राइस ऊपर जा रहा है वॉल्यूम नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये हम लोगों के लिए खतरे की घंटी है। आपको यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाना है और हम लोग को वही हुआ, इसने बनाया 5 मिनट पे एक डबल टॉप का पैटर्न। जैसे ही पहली कैंडल ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, आपको ये स्टॉप लॉस के लिए वेट नहीं करना होता है, कॉस्ट टू कॉस्ट यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट में आप लोग को निकल जाना होता है। गलती से अगर आप लोग नहीं निकले हैं, यहाँ पे आप लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया, नो प्रॉब्लम, अगेन एक मैजिकल लेवल हम लोगों को यहाँ पे एंट्री मिल गया, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है यहाँ पे जब डाउन साइड में मार्केट आ रहा है, तो एक अच्छा साइन है। री एंट्री हम लोगों ने की पीई में। इन केस अगर आप लोगों को प्राइस एक्शन नहीं पता है, आपने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट नहीं किया है, फिर भी हम लोगों को यहाँ पे बहुत बेहतरीन मूव पी में मिला, जिसमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग को दे करके चला गया। यहाँ पे जो दूसरी ब्रेकआउट स्टॉप आज के दिन के लिए हम लोगों ने डिस्कस की थी, वो थी हिंदुस्तान एरोनेट की। पॉइंट टू पॉइंट हम लोगों को पैटर्न देखने को मिला है मैजिकल लेवल पे, स्ट्रेट 2-3 कैंडल के अंदर अंदर लेवल 3 हिट कर गया है ये, और हम लोग को सी में बहुत बेहतरीन प्रॉफिट इसके देखने को मिल रहा है। जैकपॉट ट्रेड आज की बनी थी LTTS में गाइज, देख लो 4% पे क्लोजिंग दिया है इस स्टॉक ने, यानी कि मनी डबल का मूव हम लोग को देखने को मिला है इसके ऑप्शन में। 3615 मैजिकल लेवल यहां से नीचे आ गया, एंड देन आप लोग को यहां पे इनसाइड कैंडल जो कि प्रेग्नेंट लेडी फॉर्मेशन पे एंट्री करा गया, बहुत ही शार्प इसमें हम लोगों को, इसने पेशेंस जरूर टेस्ट किया गाइस। देख लीजिए मार्केट को, इसी कंडीशन को आप लोगों को इसकी समझना पड़ेगा कि जब कभी भी यहाँ पे इस टाइप का कंसोलिडेशन होता है तो 2 चांसेस होते हैं, जब भी वॉल्यूम आएगा या तो नीचे ब्रेकआउट करेगा या तो अपसाइड में ब्रेकआउट करेगा। अब अगर मैं इसके वॉल्यूम के बारे में बात करूं, तो वॉल्यूम जब आप लोगों ने एंट्री लिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था, तो जब तक स्टॉप लॉस की तरफ ये नीचे जा नहीं रहा, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाना है और ऐसा आप लोग को मार्क करके इसके अपसाइड में ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, या तो डाउनसाइड ब्रेकआउट करेगा तो डाउनसाइड की मैजिकल लेवल पे ट्रेड करना, या फिर अगर आप लोग इसको वेट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि डर लग रहा है स्टॉप लॉस पे जाएगा ये, फिर भी इसमें वॉल्यूम नहीं है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस का भी नहीं है। सो दो चीज़ों के साथ में हम लोग यहाँ पे सेफ भी खेल सकते हैं, रिस्क के साथ भी खेल सकते हैं। रिस्क के साथ खेलना ये होता है कि आप लोग अपना एनालिसिस करके जो है वो पहले से बैठे हुए हो, उम्मीद है अपसाइड में ब्रेकआउट की, आप होल्ड कर सकते हो, या तो आपको लग रहा है कि वॉल्यूम नहीं है, आप कॉस्ट टू कॉस्ट उसमें से निकल जाएंगे, उसको मार्क कर देंगे उसके लेवल्स पे, और जब ब्रेकआउट कर देगा उन लेवल्स पे तब आप लोग उसे ट्रेड कर सकते हो। दो तरीके से इसे ट्रेड किया जा सकता है। 287 एपिसोड्स तक गाइस 99% की मेरी एक्यूरेसी, जो अपने हर यूट्यूब के थंबनेल पे मैं क्लेम करता हूँ आप लोग के साथ में, वो आज भी बरकरार है। कोशिश रहेगी 365 एपिसोड्स ऐसे ही बनाने की। सो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी टेलीग्राम की और अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन की लिंक जो है वो पोस्ट करके रखे हुए, लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए आप लोग मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों मास्टर ट्रस्ट कैपिटल ये एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है, जो कि BSE में इनका स्टॉक जो है वो लिस्टेड है। एक ब्रोकरेज हाउस है, जैसे कि हम लोग ज़ीरोधा LSBlue जो है वो यूजुअली यूज करते हैं वैसा ही। सो आप लोग यहाँ पे जो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, यहाँ पे मैंने लिंक जो है अकाउंट ओपनिंग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर के रखा हुआ है। अगर से आप लोग उस लिंक थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो आप लोगों को 2 टाइम्स का लेवरेज मिल सकता है इस ब्रोकर थ्रू। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अकाउंट में 20,000 रुपए का कैपिटल है और आप इंडेक्स ऑप्शन पे ट्रेड करते हैं, तो आप लोगों को 40,000 रुपए का ट्रेड का अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पे मिलेगा, यानी कि 20,000 कैपिटल के साथ में आप लोग 40,000 रुपए का ट्रेड जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसके साथ में आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटीज जो है वो भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपका कैपिटल बड़ा है, आपका जितना कैपिटल है उससे डबल कैपिटल है आपके पास। सेम टाइम पे आपका जो रिस्क का जो कैपेसिटी है वो भी आप लोग को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपका लॉट साइज जो है यहाँ पे बढ़ते हुए कैपिटल के साथ में बढ़ेगा। अगर से आप लोग लीवरेज में इंटरेस्टेड है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर के रखा हुआ है, जाकर के आप लोग अपना अकाउंट जो है वहाँ पे ओपन कर लीजिए, आप लोगों को 2 टाइम्स लेवरेज का बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आप लोग अकाउंट ओपन करते हैं हम लोगों का लिंक यूज करके, तो आप लोग को मेरी जो प्राइम सर्विसेज है इंडेक्स ऑप्शंस की वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी लाइफ टाइम के लिए। अब लाइफ टाइम का मीनिंग ये होता है कि आप लोग को सेम अकाउंट पे ट्रेड करना है। जब तक आप लोग सेम अकाउंट पे ट्रेड करते रहेंगे, आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज को इंडेक्स ऑप्शंस की फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय करते रहेंगे।
इसकी एक्यूरेसी क्या है आप लोग ऑलरेडी जो है वो देख चुके हैं। सो फटाफट से जाइए लिंक में, और जो अकाउंट जिन्होंने अभी तक ओपन नहीं किया जाकर के कर लीजिए, और अकाउंट ओपनिंग होने के बाद में आप लोग टीम को नोटिफाई कर दीजिए टेलीग्राम पे, और मेरे प्रीमियम सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कीजिए। साथ में गाइज, अगर आप लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए आप लोग मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे करके रखा हुआ है। एंड अगर आप लोगों ने मेरा मोबाइल का जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो नहीं डाउनलोड किया तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैंने ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट वाला जो स्टडी का मेरा मटेरियल है वो कंटेंट जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है। साथ में गाइज लाइव मार्केट अपडेट्स के चार्ट्स और मेरा जो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी का रिलेटेड प्रोजेक्शन का चार्ट होता है वो मैं डेली बेसिस पे वहाँ पे आप लोग के साथ में पोस्ट करते रहता हूँ। सो अगर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया तो प्ले स्टोर पे जाकर के आप लोग सर्च कीजिए बैक बेंचर्स ऑफ स्टॉक्स, और वहाँ से आप लोग जो है मेरा मोबाइल एप्लीकेशन जो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे करके रखा। गाइस मंडे के लिए जो पहली ब्रेकआउट स्टॉक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगी SRF की, जिसमें एंड ऑफ द डे एक अच्छा सा वॉल्यूम एंटर हो चुका है, सपोर्ट लिया हुआ है यहाँ पे, और मॉर्निंग में रेजिस्टेंस लिया हुआ है यहाँ पे, पूरे दिन भर कंसोलिडेट कर चुका है स्टॉक इस बॉक्स के अंदर, और धीरे धीरे स्क्वीज होते जा रहा है, यानी कि अपने ब्रेकआउट के नज़दीक जा रहा है। 2650 के ऊपर ये स्टॉक बुलिश हो जाएगा, 662, 667 और 2700 हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 2635 यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इन केस ये अपसाइड नहीं चला जाता है तो 2635 के नीचे वीक है, 627, 612, 598 डाउनसाइड के लेवल्स है, तो 2650 यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है। कल के दिन की जो दूसरी ब्रेकआउट स्टॉक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगी दीपक नाइट्रेट की। अगर से इसके वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे गाइस, तो हम लोग को एक अच्छा सा वॉल्यूम दिख रहा है, एंड ऑफ द डे स्टॉक अपनी जगह पे खड़ा है, और हम लोग को यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन क्लियरली विजिबल है। 2038 के नीचे ये स्टॉक वीक है, 2031, 2025, 2017 ये हमारे डाउनसाइड के लेवल्स है, तो 2050 हमारा स्टॉप लॉस है। इन केस ये नीचे नहीं आता है, जैसे यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया हुआ है यहीं से अगर ऊपर मूव ऑन कर जाता है तो 2050 के ऊपर यहाँ पे बुलिश रहेगा, 2038 स्टॉप लॉस रहेगा, 2057, 2068 और 2080 हमारे यहाँ पे अपसाइड के लेवल्स होने वाले हैं। और जो कल के दिन की तीसरी ब्रेकआउट स्टॉक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो रहेगी अल्केम की। अल्केम की अगर पैटर्न के बारे में बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पे एक हम लोगों को इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट करके रखा हुआ है। लास्ट टाइम इसने एक फेक ब्रेकआउट दिया था, अगर सेम टाइम अगर ये फेक ब्रेकआउट करके इसको ब्रेकआउट दे देता है, यानी कि जो हमारा मैजिकल लेवल है बाय अबोव का, अगर इससे ये ब्रेकआउट देने में कामयाब हो जाता है तो 3204 के ऊपर ये स्टॉक बुलिश है, 212, 228, 245 अपसाइड के लेवल्स है, तो 3190 हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। इन केस ये ऊपर की साइड में नहीं चला जाता है तो 3190 के नीचे वीक है, 3204 यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, 3180, 167 और 146 यहाँ पे हमारे जो है डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे इस स्टॉक के लिए। तो दोस्तों जब भी आप लोग मेरे लेवल्स के साथ में ट्रेड करते हैं तो कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों को समझ के लेनी है, जैसे कि उसमें से पहले चीज़ ये है कि अगर से ये हम लोगों का बाय अबोव का लेवल है तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, जब अगली कैंडल जो है वो इसका हाई ब्रेक करेगी तो तब हम लोग यहाँ पे अपनी एंट्री जो है वो मैनुअली ले लेंगे, ना कि ऐसे लेवल्स पे हम लोग अपने ऑर्डर्स को या फिर इन नंबर्स पे हम लोग अपने ऑर्डर्स को जो है वो पहले से लगा करके रखेंगे, क्योंकि मैजिकल लेवल्स के साथ में प्राइस एक्शन का सेटअप होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ में अगर ये हम लोगों का अगर स्टॉप लॉस का लेवल है तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल हमारे लेवल्स के नीचे क्लोज होनी चाहिए, जब अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी तो मैनुअली हम लोग अपने ऑर्डर्स को जो है वो ट्रिगर करने वाले हैं। साथ में दोस्तों जो भी तीन ब्रेकआउट स्टॉक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं सारे के सारे स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड स्टॉक्स है, इसका मतलब ये है कि आप लोग इनके फ्यूचर्स को या फिर इनके ऑप्शंस को अपने रडार पे रख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग इनके फ्यूचर्स और इनके ऑप्शंस को भी अपने रडार पे रख सकते हैं। अगर आप लोग ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ पे आप लोग को ध्यान देना है कि जो भी स्ट्राइक प्राइस आप लोग सिलेक्ट करोगे वो या तो इन द मनी होनी चाहिए या तो एट द मनी होनी चाहिए, क्योंकि आउट द मनी पे ट्रेड करने के सेटअप्स और लॉजिक जो होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, उसका डेल्टा भी बहुत कम होता है। सो बीइंग बिगिनर आप लोग को ये गलती जो है वो नहीं करनी चाहिए। साथ में जो भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं सारे के सारे फ्यूचर के चार्ट पे डिस्कस करते हैं। फ्यूचर पे क्यों डिस्कस करते हैं, इसका
मेन मीनिंग यही है, इसका रीजन मेन यही है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा रहेगा, मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को वॉल्यूम दिखाते रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी पे ब्रेकआउट ट्रेड्स करें तो आप लोग वॉल्यूम का जरूर ध्यान रखें कि जब ब्रेकआउट हो रहा है तब वॉल्यूम है कि नहीं है उसमें। और साथ में दोस्तों जो भी आप लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं वो ज्यादा इफेक्टिवली कंपेयर टू स्पॉट फ्यूचर में बहुत ज्यादा इफेक्टिवली चलते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे आपके ट्रेडिंग में जो है इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा हेल्प जो है वो होने वाली है। साथ में जो भी लेवल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं अगर आप लोग इन्हें लिख करके रख रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है गाइस, इसे आप लोग को लिख करके नहीं रखना है, अपने चार्ट्स पे इन्हें ऐड कर देना है ताकि लाइव मार्केट टाइम्स में जब कभी भी प्राइस एक्शन का सेटअप हम लोग के मैजिकल लेवल्स के साथ में बने तो प्राइस एक्शन को कैच करने में आप लोगों को ज्यादा दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मेरे मैजिकल लेवल्स, उससे पहले एक बार देख लेंगे इसका कल के दिन का मेरा प्रेडिक्शन जो है वो क्या होने वाला है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइस, कल मैंने आप लोगों को जो फ्राइडे के लिए वीडियो पोस्ट किया था इसमें कि यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया था और इम्पॉर्टेंट चीज़ कही थी आप लोगों को कि अपसाइड में अगर मार्केट स्ट्रेट अवे चला जाता है तो हम लोग के लिए एक अच्छा साइन नहीं होने वाला है। सो यहाँ पे हम लोगों को व्यू लगाने के लिए प्लान ए प्लान बी है, दोनों साइड के प्लान्स हैं जिन्हें हम लोग को यहाँ पे समझ के लेना होगा। पहली चीज़ तो ये है कि ब्रेकआउट के बाद में इसने रीटेस्ट किया है, अगर डे हाई चला जाता है तो हम लोग को बाइंग की बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इस हाई तक यानी कि इस रेजिस्टेंस तक देखने को मिल जाएगी, और अगर लो चला जाता है तो हम लोग को यहाँ पे एक इवनिंग स्टार पैटर्न मिलेगा। सो हम लोग को हल्का सा एक डाउन साइड का मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है मार्केट में, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, सो इंट्राडे के लेवल्स पे हम लोग को काम करना होता है क्योंकि टाइम डीके फैक्टर हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 17,900 के ऊपर अगर निफ्टी का फ्यूचर निकल जाता है तो बुलिश हो जाएगा इंट्राडे में, 914,7, 18,000, 18,063 और 18,126 अपसाइड के लेवल्स रहेंगे हमारे, तो 17,850 के नीचे निफ्टी का फ्यूचर वीक है, 807, 761, 717 और 661 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे निफ्टी के फ्यूचर्स के लिए। अगर से हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी के फ्यूचर के बारे में तो सिमिलर टाइप का पैटर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है, एक हेल्दी पुल बैक मैं कहूँगा बैंक निफ्टी में एटलीस्ट इस लेवल तक आना चाहिए अगर हम लोगों को 45,000 जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोग के साथ में डिस्कस किया था बैंक निफ्टी के लिए, अगर स्ट्रेट अवे चला जाएगा तो जितने तेज़ी से ऊपर जाएगा उसकी दुगनी तेज़ी से दुगनी रफ्तार से डाउनफॉल के चांसेस होते हैं। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन है कि वो इस लेवल को नीचे के साइड में टच कर जाए और फिर यहाँ से अपसाइड में निकल जाए। अगर उस पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली इवनिंग स्टार पे हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक का सपोर्ट के लेवल तक, एक्चुअल में इवनिंग स्टार जो है वो अगली कैंडल के नीचे एक्टिवेट हो जाता है लेकिन हम लोग इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, सो हम लोग को यहीं पे अगर एंट्री मिल जाती है क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट है, मे बी यही सपोर्ट लेकर के मार्केट यहाँ से यू टर्न जो है लेने की हाई प्रोबेबिलिटीज़ हम लोग के पास में है। सपोर्ट जाने तक हम लोग यहाँ पे पी साइड का ट्रेड नहीं कर सकते, सो ये मेरा प्रेडिक्शन रहेगा। अगर हाई चला जाता है तो हल्का फुल्का हम लोग को अपसाइड का ट्रेंड जो है वो देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली मैं अपसाइड में जब मार्केट जाएगा विदाउट फेसिंग अ सपोर्ट तो मैं अपनी क्वांटिटीज़ को आधा ही रखूँगा, पी साइड में आएगा तो जो भी मेरा कॉन्फिडेंस है उसके साथ में मैं पूरी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर पाऊँगा। 40,570 के ऊपर बैंक निफ्टी का फ्यूचर बुलिश हो जाएगा, 685, 807, 923 और 41,101 अपसाइड के लेवल्स है, तो 40,470 के नीचे ये वीक है, 378, 262, 116 और 40,004 हमारे यहाँ पे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी के फ्यूचर के। सो ओवरऑल अगर आप लोग डिस्कस करेंगे मेरे साथ तो इंटरनेशनल सेंटीमेंट्स ये वो सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर डे लो चला जाता है तो मार्केट को लेकर के मैं भी ये इशू हूँ, चाहे दुनिया का कोई भी मार्केट बहुत अच्छी पोजीशन में क्यों ना हो, बहुत अच्छे गेंस में भी क्यों ना होगा, हमारी मार्केट में हम लोग को गिरावट जो है वो देखने को मिलेगी। सो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए मेरे बेहतरीन तीनों ब्रेकआउट स्टॉक्स, उनके सारे लॉजिक्स, एंट्री एग्जिट और टारगेट सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे समझ के ली है स्टॉप लॉस के साथ में।
साथ ही हम लोगों ने डिस्कस किया है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मेरा कल के दिन का प्रेडिक्शन मैजिकल लेवल्स के साथ में। मेरी गारंटी है गाइज, इस टाइप का नॉलेज एक दिन एडवांस में, इस टाइप के प्रॉफिटेबल ट्रेड्स और इस टाइप की एक्यूरेसी आप लोग के साथ में पूरे यूट्यूब पे कोई शेयर नहीं करेगा। सो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी टेलीग्राम की और मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक जो है वो पोस्ट करके रखे हुए हैं। लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज, मेरे मोटिवेशन के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।